पंजाब में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर 72 घंटे का रेल रोको आंदोलन किया, जिसका असर हरियाणा में देखने को मिला। यात्रियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, रेलवे को भी काफी नुकसान हुआ है। खबर रिपोर्ट के जरिए आप तक। पंजाब में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर 72 घंटे का रेल रोको आंदोलन किया, जिसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल किसान आंदोलन के कारण अंबाला रेल मंडल में 180 रेलगाड़ियां प्रभावित हुई हैं, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू जाने वाले रेल यात्रियों का कहना है कि वे दर्शन करने वैष्णो देवी जा रहे हैं, लेकिन अब अंबाला में ट्रेन रद्द हो गई है, जिस कारण वे काफी परेशान हो रहे हैं। हम लोग अयोध्या से आ रहे हैं और हमको दर्शन करने जाना था। कटरा तक का टिकट था, बेगमपुरा से आने वाले थे, गाड़ी कैंसिल हो गई। उसके बाद लखनऊ तक आए दूसरी गाड़ी से, फिर उसके बाद यहाँ दूसरी गाड़ी, फिर आए। अब यहाँ भी जितनी गाड़ियाँ थी जिससे जाना था वो भी कैंसिल हो गई है। अपना ये प्रीपेड गाड़ी जाना है, परिवार पूरा है, परेशानी बहुत है। कैसे जाएंगे अब? टैक्सी जाएंगे, जहाँ हम लोग जहाँ भाड़ा 800 रुपये में हो जाता वहाँ पूरा भाड़ा था, पूरा सिस्टम था। अब यहाँ 14,000-15,000 रुपये हम गाड़ी लोग मांग रहे हैं। अयोध्या से जम्मू जाना है, कटरा वैष्णो देवी। अंबाला उतर गए, क्यों? हाँ, क्या करेंगे? क्यों, क्या ट्रेन हमारी रद्द हो गई। सुल्तानपुर से थी तो वहाँ से लखनऊ आए, लखनऊ में छोड़ दिए, वहाँ से दूसरी ट्रेन किए, 5 घंटा वेट करके वहाँ, फिर ये वाली पकड़े भी है, यहाँ तक थी। यहाँ से कोई ट्रेन ही नहीं, अब क्या करें हम लोग, बताइए कैसे जाएंगे, अब क्या बताएं, यहीं पढ़े रहेंगे या कोई आपके नेता मंत्री हो बताइए, उनसे मिले। हम लोग बहुत ज्यादा, इतने लोग हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, देखिए क्या करें हम लोग। वहीं सीनियर डीसीएम नवीन कुमार का कहना है कि किसान आंदोलन के कारण अब तक 18 ट्रेन प्रभावित हुई हैं, जिनमें 74 ट्रेन को रद्द किया गया, बाकी कुछ ट्रेन अस्थायी रूप से स्थगित की गई हैं और कुछ ट्रेन के रूट को डायवर्ट किया गया। उन्होंने बताया कि ज्यादातर अमृतसर रूट बाधित हैं, उसके बाद पटियाला रूट भी बाधित है। उन्होंने बताया कि जम्मू जाने वाली कुछ ट्रेन के रूट अलग से डायवर्ट किए गए हैं। यात्रियों को असुविधा ना हो इसके लिए वे ट्रांसपोर्ट विभाग के भी संपर्क में हैं, ताकि बस का इंतजाम हो और यात्री सुविधा से अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। देखिए, आज तीसरे दिन में टोटल लगभग 180 ट्रेनें अफेक्टेड हैं, जिसमें से 74 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। बाकी जो 104 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, इनमें से कुछ गाड़ियां शॉर्ट टर्मिनेटेड हैं, जैसे अंबाला लुधियाना। मोस्टली ये अमृतसर बाउंड ट्रेनें हैं, क्योंकि अमृतसर का रूट बाधित है। इसके अलावा जो RBR सेक्शन है हमारा, पटियाला सेक्शन, पटियाला बठिंडा वाला, ये सेक्शन भी बंद है, तो इसकी ट्रेनें कैंसल्ड हैं। जम्मू की कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो डाइवर्ट होके जा रही हैं वाया नकोदर जलंधर होके, तो कुल 180 ट्रेनें अभी तक प्रभावित हैं। रेल अधिकारियों का कहना है कि इस आंदोलन में रेल को काफी नुकसान हो रहा है, जिसका आंकलन आंदोलन खत्म होने के बाद किया जाएगा। उनका कहना है कि जो ट्रेन अम्बाला मंडल में रद्द हो रही हैं, उसके लिए यात्रियों को रिफंड दिया जा रहा है और इसके लिए सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर रिफंड काउंटर खोले गए हैं। अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।